धार शहर की श्रीनगर कॉलोनी में मेन रोड के पास बना 15x50 का रजिस्ट्री वाला 3 मंजिला मकान अति शीघ्र बेचना है। इच्छुक संपर्क करें 9300434443। धार जिले के बाकी में किसान के खेत में कटी हुई सोयाबीन की फसल धू धू कर जलकर खाक हो गई। कुक्षी तहसील के ग्राम बाकी में बीती रात अज्ञात कारणों से सोयाबीन के ढेर में आग लग गई। पीड़ित किसान ने बताया कि अज्ञात लोगों के द्वारा मेरी सोयाबीन के इकट्ठे ढेर पर आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय कोई आग बुझाने के लिए साधन नहीं था, जिसके चलते सोयाबीन की फसल जलकर राख हो गई। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। क्या हुआ भैया, तुम्हारे को क्या सामान जलाए? ये सोयाबीन थे सर, 15-14 बीघा के। मैं इकट्ठा करके मजदूरों को घर पे गया, इतनी देर में सोयाबीन मेरे जलकर खाक हो गया। रात में जले कि दिन में? 8:30 बजे रात को। 8:30 बजे रात को। कितना बोया हुआ था? ये करीबन 3 क्विंटल थे। लगभग कितने पकते तुम्हारे सोयाबीन? ये 55-60 क्विंटल। तो आपको ऐसे कोई शंका है, कोई जलाया कोई कुछ? अब किसको बताएं सर, हम तो घर किसका नाम ले? वही अज्ञात लोगों ने जलाया। हाँ, क्या चाहते अब सरकार से? सरकार से अब हमारी रोजी रोटी सब जल गई सर, हमारा परिवार कैसे चलाऊंगा सर? छोटे छोटे बाल बच्चे, अब रोजी जल गई सर, अब कैसा परिवार चलाऊंगा मैं? मेरे को मुआवजा दिया जाए सर इसका, मेरी फसल का। सरकार के कोई को सूचित करा था? पटवारी वगैरह आए? सबको बुलाया, पटवारी आया था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा करेंगे हम, देखा उसने आए थे मौके पे। कितना बो रखा था ये सोयाबीन? 3 क्विंटल। हाँ भाभी, क्या लग रहा है आपको, कितना सोयाबीन कितना जल गया आपका? मेरा 60 क्विंटल सोयाबीन जल गया है। कोई आपको शक है, कोई जलाया किसी ने? सर किसी को जलाते तो देखा नहीं, हम मजदूरों के साथ घर चले गए थे। क्या मांग करते सरकार से? सरकार से यही मांग करते कि जो भी मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए जी। अब मेरी तो साल भर की फसल गई, अब मेरे बच्चे किस तरह से पोसूंगी? क्या नाम आपका? प्रमीला। Subscribe now to most exciting channel ever.